तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली टेरिटोरियल आर्मी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जिन कैंडिडेट को टेरिटोरियल आर्मी भर्ती का काफ़ी दिनों से उम्मीद था, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती बहुत ही दिन हो गई है दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आई नहीं है। जो भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते थे, इच्छुक उम्मीदवार जो इस भर्ती को खोज रहे थे कि कितने तारीख तक ये भर्ती आएगी, किस तारीख को इसकी डेट फिक्स की जाएगी, तो आप सभी को इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। जो कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखाएंगे कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है या नहीं, भर्ती को किस तारीख से अप्लाई यानी कि आवेदन करना शुरू करेंगे, ये भर्ती की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या होने वाली है, आप सभी को सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। बस दोस्तों वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी सभी क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे। सिंपली यहाँ पे 10वीं के पास कैंडिडेट अप्लाई यानी कि आवेदन कर पाएंगे। और आप सभी को बता दें कि 10वीं के पास जो कैंडिडेट है, कम से कम 45% मार्क्स से फिर इस फॉर्म को अप्लाई यानी कि आवेदन कर पाएंगे। 12वीं की यानी कि 10+2 12वीं की परीक्षा भी पास किए हों, फिर भी इस फॉर्म को अलग अलग पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। आपको कितना इस भर्ती में सैलरी दी जाएगी, एज लिमिट आपकी कितनी मांगी गई है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, किस राज्य और ज़िले के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं। इस भर्ती में सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इस भर्ती को ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट अप्लाई यानी कि आवेदन कर पाएंगे। सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए आप देख पा रहे होंगे 10वीं पास 12वीं पास, इसी प्रकार से आप सभी की इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कहाँ से आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा, कितनी इस भर्ती में एज लिमिट आपकी निर्धारित की गई है, कैसे अप्लाई करना होगा, सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सबसे पहले इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो कि इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 17 मार्च, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 17 मई से भर्ती की स्टार्टिंग डेट हो चुकी है। 17 मई से यानी कि इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट 17 मई से शुरू हो जाएगी दोस्तों। 26 और यहाँ पे आप सभी को बताएंगे 26 जुलाई तक इस भर्ती की लास्ट डेट निर्धारित की गई है। सोल्जर जीडी क्लर्क पोस्ट के लिए जो भी भर्तियाँ निकाली गई हैं, सभी के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। एडमिट कार्ड भी कब तक आएगा, ये भी आप सभी को बताएंगे। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले बता दें कि सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए ये जो भर्ती निकाली गई है, उसके लिए टोटल और टोटल 158 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। क्लर्क स्टाफ जो ड्यूटीज़ के पदों पर भर्ती निकाली गई है 14 पदों पर। इसी प्रकार से आप भर्तियों के बारे में देख पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, आप सभी को सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये भी आप सभी को देंगे। 10वीं की परीक्षा पास किए हों फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई यानी कि आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। 10वीं 12वीं की कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। हाइट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 160 सेंटीमीटर के हाइट बिल्कुल आपकी होनी चाहिए। वेट ओनली 50 किलो का, वो भी मेल कैंडिडेट का मांगा गया है। फीमेल का अगर वजन, ऐसा भी नहीं है कि वजन ही ना हो, फीमेल कैंडिडेट का वजन नहीं यहाँ पे मांगा गया है कि कितनी किलो का वजन उनका होना चाहिए। चेस्ट यहाँ पे ओनली केवल मेल कैंडिडेट का मांगा गया है, जो कि स्पेंड करने पर 5 सेंटीमीटर का और भी होना चाहिए, यानी कि दोस्तों 77 से 82 सेंटीमीटर का चेस्ट भी होना चाहिए। एज आपकी 18 वर्ष से 42 वर्ष, यानी कि कम से कम 18 वर्ष है और ज़्यादा से ज़्यादा 42 वर्ष के बीच के कैंडिडेट हैं, फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई यानी कि आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे कर्नाटक, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, इसी प्रकार से आप सभी की भर्तियाँ यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। एलिजिबिलिटी क्या आपके पास होनी चाहिए, तो आप सभी को बताएंगे। आपकी एज तो 18 से 42 वर्ष तो होनी ही चाहिए दोस्तों, और आप सभी को बताएंगे कि इस भर्ती में आपकी एज तो बता ही दिए, और इस भर्ती में आगे आप सभी को बताने वाले हैं कि इस भर्ती में रनिंग भी आपकी होगी, जो कि रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग निर्धारित की गई है। 1600 मीटर की रनिंग जो कैंडिडेट 5 मिनट 40 सेकेंड में रनिंग पूरा कम्प्लीट करते हैं, उन्हें ग्रुप फर्स्ट में रखा जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार से आप सभी को भर्ती की अधिक जानकारी के लिए हम आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर यहाँ पे आप सभी को दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती ये जो निकाली गई है, जोन वाइज वैकेंसी यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट किस जोन से बिलोंग करते हैं। अगर आप सभी को नहीं पता है कि आप किस जोन से बिलोंग करते हैं,
तो आप अपने राज्य और जिले का नाम कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं कि हम किस राज्य और जिले से, यानी कि आप जिस राज्य और जिले से बिलोंग करते हैं, अपने राज्य और जिले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम आपसे रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे कि आप किस जोन से बिलोंग करते हैं, अगर आपको नहीं पता है। अगर पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ की सारी भर्तियाँ, यानी कि चारों जोनों की भर्तियाँ यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। पोस्ट यहाँ पे टोटल, यहाँ पे पोस्ट नाम के बारे में बात करेंगे तो सोल्जर जीडी, सोल्जर क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन 10th पास और ट्रेडमैन 8th पास के लिए यहाँ पे भर्तियाँ निकाली गई हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बताएंगे कि ये भर्ती कुल जितने पदों पर निकाली गई हैं उस पदों के लिए अभी तक निर्धारित ये नहीं की गई हैं कि ये भर्ती कितने पदों पर निकाली गई हैं। यानी कि इस भर्ती की ये तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि ये भर्ती आ चुकी है और पोस्टें भी निर्धारित कर दी गई हैं, बस ये नहीं निर्धारित किया गया है कि इसमें पद कितने तारीख को काउंटिंग किया जाएगा, कि कितने भर्ती के लिए कितने कितने पद निर्धारित किए जाएंगे। वो कभी, यानी कि वो जब ही आप सभी को, यानी कि जब ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और चारों जोनों के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई तो दोस्तों बिल्कुल ही कर पाएंगे। अगर आप किस जोन से बिलोंग करते हैं तो उस पर कमेंट कर दीजिए आप, यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो हम रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे। अप्लाई मोड यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से बिल्कुल आप फॉर्म को अप्लाई यानी कि आवेदन कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई, यहाँ पे ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर के बारे में आपको बताएंगे तो ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि इंडिया के सारे कैंडिडेट कि जो ओनली इंडिया में ही लगेगी। यानी कि दोस्तों आप सभी को कहने का मतलब ये है कि सारे कैंडिडेटों की, इंडियन सारे कैंडिडेटों की जॉब तो इंडिया में ही लगेगी। और सैलरी के बारे में आपको बताएंगे तो सैलरी आप सभी को पता ही होगा क्योंकि यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में जो सैलरी दी गई है 15,500 रुपये से 69,400 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी आप सभी को दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितना लगेगा तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फ्री है, एससी एसटी फीमेल के लिए भी तो बिल्कुल फ्री ही है। दोस्तों पेमेंट कैसे जमा करना होगा तो ये तो अभी निर्धारित किया गया है कि अभी फ्री दिखाया जा रहा है नोटिफिकेशन में, लेकिन आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ फ़ीस तो पे करनी होगी, चाहे 100 रुपये ही पे करनी होगी। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ जारी नहीं हुआ है, जैसे जारी होगा दो तीन जानकारियाँ इस भर्ती में छूटी हैं अभी, वो प्रोसेसिंग चल रही है कि किस तारीख को अपलोड की जाएंगी वो हम आप सभी को दिखाएंगे सबसे पहले। दोस्तों बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर दबा लें दोस्तों, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच सके। तो यहाँ पे आप सभी को बताएंगे कि एज लिमिट के बारे में, तो टेरिटोरियल भर्ती की एज लिमिट जो है वो 18 से 42 वर्ष की निर्धारित की गई है, ये तो आपको पता ही है। एज ऑन यहाँ पे एज में काउंटिंग 19 अप्रैल 2023 से की जाएगी। एज रिलेक्शन एज में छूट तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि एस सी एस टी ओ बी सी कैंडिडेट को एज में रिलेक्शन यानी कि छूट दिया जाएगा। और यहाँ पे आप सभी को बताएंगे एस सी एस टी कैंडिडेट 5 वर्ष का छूट एस सी एस टी को निर्धारित किया गया है, ओ बी सी के लिए 3 वर्ष का छूट निर्धारित किया गया है। दोस्तों फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो फिजिकल टेस्ट डिटेल यहाँ पे आप सबको बताएंगे कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइटें भी निर्धारित की गई हैं और टोटल पोस्टें भी निर्धारित की गई हैं, आप सभी को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की हाइट के बारे में बात करेंगे तो ओनली 160 सेंटीमीटर की हाइट हो फिर भी इस फॉर्म को सिलेक्शन यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई भी कर पाएंगे, सिलेक्शन भी आप हो पाएंगे। चेस्ट यहाँ पे 77 से 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड करने पर, यानी कि 77 से 82 का चेस्ट आपका होना चाहिए। वेट ओनली 50 किलो का होना चाहिए, वो भी मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट का वेट यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया है, कम से कम अगर 40 वर्ष का वेट आपका हो फिर भी, यानी कि फीमेल कैंडिडेट का 40 किलो का वेट हो तो भी इस फॉर्म को अप्लाई यानी कि आवेदन कर पाएंगी। रनिंग टेस्ट के बारे में बताएंगे तो रनिंग टेस्ट यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 1600 मीटर, वो भी जो कैंडिडेट 5:30 में रनिंग कंप्लीट करेंगे उन्हें 60 मार्क्स यानी ग्रुप फर्स्ट में रखा जाएगा। जो कैंडिडेट 5:31 से 5:45 के बीच में रनिंग पूरा करेंगे उन्हें ग्रुप टू में रखा जाएगा, ओनली 40 मार्क्स दिए जाएंगे। पुलअप आप सभी को 10 लगाने होंगे दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। और आप सभी को बताएंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई यानी कि आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं तो आप सभी को बताएंगे फोटो एंड सिग्नेचर, लाइट कलर बैकग्राउंड फोटो आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट वो भी कक्षा 8वीं और 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आधार कार्ड भी नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई अदर डॉक्यूमेंट, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के इस फॉर्म को प्रूफ यानी कि आवेदन आप
कर पाएंगे। इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो आपको बताएंगे जो कि इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम यहाँ पे होगा आपका, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे तो सिलेबस यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि जनरल इकोनॉमिक, जनरल हिंदी और यहाँ पे इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे टोटल और टोटल यहाँ पे निर्धारित नहीं किए गए हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे दोस्तों। ये तो हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स दिए जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन के टोटल 100 मार्क्स दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन में अभी जारी नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग चालू है, जब ही आएगा तो दोस्तों इतना ही आने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए सिंपल और सिंपल 10वीं के पास कैंडिडेट 33% से 45% के बीच में मार्क्स हों फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई यानी कि आवेदन कर पाएंगे। सोल्जर कलर पोस्ट के लिए बात करेंगे तो सोल्जर कलर पोस्ट के लिए जो भर्ती निकाली गई है इसमें सिंपल और सिंपल 10वीं यानी कि 12वीं के पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साइंस में आप सभी का, आर्ट और साइंस में आप सभी का कम से कम 60% से 50% के बीच में मार्क्स आपके होने चाहिए। ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए जो भर्ती निकाली गई इसमें सिंपल और सिंपल दोस्तों सबसे अच्छी भर्ती ये है, वो सिंपल और सिंपल 8वीं 10वीं के पास कैंडिडेट अप्लाई यानी कि आवेदन कर पाएंगे। आप सभी को बताएंगे कि इस भर्ती की अधिक जानकारी के लिए हम आप सभी को बताएंगे कि टुल एजुकेशन सोलो की ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर ऑफिशियल वेबसाइट ना मिले तो यूट्यूब पर एक डिस्क्रिप्शन में एक नया लिंक दिए हैं, वहीं से जाकर आप PDF को भी डाउनलोड कर पाएंगे, इस भर्ती का PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों आइए बात कर ली जाए कौन से कैंडिडेट किस जोन से निर्धारित यानी कि किस जोन से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को बताएंगे। जोन फर्स्ट में भर्ती की डेट कब फिक्स की गई है तो आप सभी को बताएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यू डेट कमिंग सोन यानी कि अभी तक भर्ती की डेट निर्धारित नहीं की गई है। जोन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे डेटें अभी तक फिक्स नहीं की गई हैं, जैसे ही फिक्स कर दी जाएंगी हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताने वाले हैं। बस दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर दबा रहे हैं ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो जाए तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंच सके। आइए बात करते हैं कि जोन फर्स्ट, जो कैंडिडेट को नहीं पता है कि जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ क्या है और हम इस जोन में बिलोंग करते हैं यानी कि जोन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में किस में बिलोंग करते हैं नहीं पता है तो वो भी आप सभी को बताने वाले हैं। जोन फर्स्ट में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और हरियाणा निर्धारित किए गए हैं। जोन टू में आपको बताएंगे तो जोन टू में आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे उत्तराखंड और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे झारखंड, उड़ीसा के कैंडिडेट इस फॉर्म को जोन टू में यानी ये जोन टू में बिलोंग करते हैं। जोन थ्री में आप देख पा रहे होंगे जो कि आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, असम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, सिक्किम और इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे त्रिपुरा और नागालैंड आप इसी प्रकार से देख पा रहे होंगे। मेघालय और नागालैंड जोन थ्री में आते हैं। और जोन फोर्थ के बारे में बात करेंगे तो आप देख पा रहे हो जो कि जोन फोर्थ में आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, राजस्थान और यहाँ पे हवेली यानी कि दादरा नगर हवेली और यहाँ पे मुंबई, तमिलनाडु और इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे जो कि कर्नाटक और दादरा यानी कि दादरा नगर हवेली इसी प्रकार से आप जोन फोर्थ में भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताएंगे कि इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट यानी कि ज़रूरी तारीख के बारे में बताएंगे तो आप सभी को बता ही दिया क्योंकि इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट आप सभी को 19 मई तक निर्धारित की जाएगी, उसके बाद अगस्त में आपकी इस भर्ती की लास्ट डेट होने वाली है। एग्ज़ाम डेट भी वही होगी दोस्तों और आप सभी को बताएंगे कि जो भी वीडियो में अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, हम आप सभी को रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी, जो भी कैंडिडेट, जो भी आपके यार दोस्त बाकी हैं कि इस फॉर्म को कब आवेदन करेंगे, किस तारीख से इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल डेट आएगी वो भी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाए रहेंगे तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन यानी कि वीडियो कोई भी नई अपलोड होगी तो हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, आप वीडियो को देख पाएंगे। नहीं तो दोस्तों अगर वीडियो को सही टाइम से आप ना देख पाएंगे तो भर्ती अगर आती है तो टाइम के मुताबिक यानी कि टाइम से पहले अगर भर्ती आती है तो 2-4 दिन के लिए आपको टाइम दिया जाता है, नहीं तो भर्ती का डेट यानी कि भर्ती की डेट बंद हो जाती है यानी कि फॉर्म को अप्लाई होना बंद हो जाता है। तो दोस्तों आशा करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे रहेंगे तो आप कोई भी जानकारी मिस
ना कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।